हेलो दोस्तों, मैं सौरव मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंकाल तंत्र से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करना और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कवर करूँगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है, मानव कंकाल तंत्र 206 अस्थियों से मिलकर बना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियां होती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। यहां पर जोड़ी की बात की जा रही है दोस्तों, तो मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। मनुष्य मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा, तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 3 भाग में विभाजित है। ठीक है, यहां पर अगर बात की जाए 3 भाग की, तो इसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आता है। ठीक है, दोबारा से बोल देता हूं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी कि सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं प्यारे दोस्तों। फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये कहां पर होती है, जांग में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर रहेगा, तो मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, आंतरिक आयु के लिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाए ये आप सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीएससी तक की आप तैयारी कर सकते हैं। आपको बस छोटा सा काम करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वही सेलेक्ट करिएगा। जैसे मैंने रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर लिया, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर जितने मंथ का आपको कोर्स लेना है उतना ही सेलेक्ट करिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जहां पर लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, वहां पे आपको डालना है 1611, ये आपका डिस्काउंट कोड होता है। जो भी फीस आपकी यहां पे दिख रही होगी उसमें ये डालते ही, अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही, वो 10% या फिर उससे ज़्यादा जितना भी डिस्काउंट कोड, ये मैक्सिमम डिस्काउंट कोड देगा, तो मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पर आपकी वो फीस कम हो जाएगी। उसके बाद आपको उसका पेमेंट कर देना है। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8279711646 पर। आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है और कैसे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। सभी एग्जाम के लिए ये डिस्काउंट कोड एप्लीकेबल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए एक छोटा सा आपको करेक्शन करना होगा, 756। ठीक है, तो यहां पर आपको देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार मिल सकते हैं कई बार, क्योंकि एक बार एसएससी में आया था कि कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं, और उसमें आपका ऑप्शन था 700। ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शन थे वो सारे उससे कम कम थे, तो आपको वहां पर 700 ऑप्शन करेक्ट कर लगाना है। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में 756 है तो आपका ऑप्शन ये रहेगा। बाई चांस आपके ऑप्शन में कुछ और होता है, बट वो सबसे बड़ा ऑप्शन होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपका 756 से ऊपर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे नीचे नीचे जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे बड़ा वो आपको लगाना है। कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में एक बार हो चुका है, 700 का ऑप्शन सबसे बड़ा था, वही आपने टिक करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है, दांत की सबसे मजबूत परत है।
दांत की सबसे मजबूत परत है दोस्तों, ये सबसे मजबूत परत है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का रूपांतरण किस भाग से होता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा द्वितीयक दांत से, बिल्कुल सही आपने यहाँ पे लगाया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए हाथी के कुल 26 दांत होते हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि दो दांत दिखते हैं तो दो ही होते होंगे, बट ऐसा नहीं होता है, हाथी के कुल 26 दांत होते हैं जिसमें से दो बाहर दिखते हैं, ठीक है, जिनको हाथी दांत से के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो प्यारे दोस्तों मानव मस्तिष्क का भार 1.2 से लेके 1.4 किलोग्राम तक हो सकता है, तो 1.2 से लेके 1.4 किलोग्राम, देखिए कौन सा है इसमें ऑप्शन, ये बीच में आ रहा है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, ये 1.4 किलोग्राम से ऊपर हो जाएगा, बाकी के तो ऊपर है ही, तो आपको ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, ये आपको टिक कर लेना है, ठीक है गाइज। यहां पर अगर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, कुल शरीर का भाग जो होता है लगभग 2% होता है मस्तिष्क का भार उसका, ठीक है, जो शरीर का भार होगा उसके कुल वजन का 2% भाग मस्तिष्क का भाग मस्तिष्क का वेट सॉरी होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कंकाल अनुपस्थित होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा सिल्वर मछली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है, चपटे गद्दीदार पैरों से युक्त ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चलता है क्योंकि? तो चपटे गद्दीदार पैरों से युक्त ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चलता है क्योंकि संपर्क क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण रेत कम दबाव पड़ता है, रेत पर कम दबाव पड़ता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद कठोर पदार्थ होता है जो कि जब हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है, जब हड्डी टूट जाती है, तो उसका लेपन किया जाता है ताकि आप हाथ पैर हिला ना सके, ठीक है, और हड्डियां जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, मानव में कितने दांत अस्थाई होते हैं? मानव में कितने दांत अस्थाई होते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा 20 दांत अस्थाई होते हैं, ठीक है। कुल कितने दांत होते हैं? तो कुल होते हैं दोस्तों 32, ठीक है, तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, 3 से 4 आयु वर्ग के बच्चों के दूध के दांत में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा चवरक इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और इसकी स्थिति जो होती है वह पश्च वे जटिल होती है, यह भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, ये वाले जो दांत होते हैं ये कठोर दांत होते हैं, ये आपके जब दूध के दांत टूटने के बाद में जब दोबारा से मजबूत दांत आते हैं उनके बाद ये दांत आते हैं। नेक्स्ट है, दांत वल्क यानी कि इनेमल कवर क्या है? तो दोस्तों ये है आपका दंत आवरण, ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ये दंत वल्क जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, वल्क को दांत धातु से ढकता है, जो कि दांत होते हैं हमारे ये वल्क से ही ढके होते हैं, ठीक है, जो व्हाइट परत होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुक खंड होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं?
तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों 33, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कशेरुकी में कुल कितनी 33 हड्डियां उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो आई थिंक ये वाला हो चुका है क्वेश्चन, जांघ की हड्डी जिसका नाम होता है फीमर। हिंज जोड़ कहाँ होता है? तो दोस्तों जो कोहनी का जोड़ होता है, ठीक है, इसको हिंज जोड़ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कोहनी रहेगा। ठीक है, कोहनी में। नेक्स्ट है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोनों कानों की कर्ण अस्थियों को मिलाकर कुल 6 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, जो कि अस्थि यानी कि हड्डी और मसल्स को जोड़ता है, इसका सही उत्तर रहेगा जो मसल्स और बोन को जोड़ता है वो टेंडन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। और जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है वो होता है लिगामेंट। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारी चीजें पता होती है, बट उसके बाद भी हमें रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग, सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर का सबसे कठोरतम भाग है दंतवल्क, जो कि मैं अभी आपको ऊपर भी बताया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए, सोडियम पंप किसका संचालन करता है? सोडियम पंप किसका संचालन करता है? तो तंत्रिका आवेग का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तंत्रिका आवेग का। ठीक है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, दंत, यहाँ पे वल्क हो गया, ये बै नहीं होगा दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वल्क किसका उदाहरण है? तो दांत के क्रीट का। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा ए सही आंसर। नेक्स्ट है, पक्षियों तथा कीटों पर पानी किसकी वजह से नहीं रुकता? पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी किसकी वजह से नहीं रुकता? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, देखिए, पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर मोम का आवरण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि उन्हें गीले होने से बचाता है और उड़ने में सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेशीय थकान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? पेशीय थकान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर रहेगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालीय पेशियां होती है। तो यहां पर देखिए, आपको सबसे बड़ा ऑप्शन 700 दिख रहा है, ठीक है, तो 500 तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मैंने आपको बताया था ना, एसएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये क्वेश्चन आपका आया था सीएचएसएल में आया था 2015 में, तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपको कई बार आंसर लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, दांतों के सड़न को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा फेलोराइड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती हैं? तो सबसे अधिक पसलियां किसमें पाई जाती हैं दोस्तों? सांप में, ठीक है। और मनुष्य में कितनी पाई जाती है? मैंने अभी आपको बताया था 12 जोड़े, यानी कि 24 पसलियां होती है मनुष्य में, ठीक है। और सांपों में लगभग कितनी होती है, कोई बताना चाहेगा? सांपों में दोस्तों 200 से लेकर के 400 तक होती हैं। कितनी? 200 से लेकर 400 पसलियां हो सकती हैं। और इसी की यही वजह होती है कि सांपों का शरीर इतना लचीला होता है। नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी, यानी कि दंत विज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ऑब्वियसली बात है, जब दांतों की हम बात कर रहे हैं तो दांत से ही होगा ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में उपस्थित कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा नाक में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे कशेरुकीय प्राणी कौन से हैं जो रेंकर या घसीट कर मंद गति से चलते हैं? तो सरीसृप इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किन जीवों में जबड़े अनुपस्थित होते हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा प्रोटोकार्डेटस में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है वायुधारी अस्थियां किसमें पाई जाती हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा पक्षियों में, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? निम्नलिखित किस वर्ग में जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं? इसका सही आंसर रहेगा मोर और शुतुरमुर्ग और कछुआ भी, ठीक है। तो ये तीनों इसमें मिल रहा है दोस्तों आपको, बिल्कुल ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ ऐसे वर्ग हैं जिसमें दांत अनुपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सिरिंगस वाइस बॉक्स किसमें उपस्थित होते हैं? तो प्यारे दोस्तों पक्षियों में होते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 39। शरीर को गर्म रखने में सहायक निम्नलिखित में से कौन सी संरचना स्तनपायियों की त्वचा में उपस्थित होती है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा संवेद ग्रंथियां, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक केकड़ा में कुल कितने पाद होते हैं? पाद मतलब दोस्तों पैर होते हैं, ठीक है, पैर होते हैं। तो केकड़े में कुल कितने, देखिए 4 जोड़ी यानी कि 8 पैर होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये अभी मैं बता के आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहां उपस्थित होती है? सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी एक ही है, फीमर है, ठीक है, जांग में पाई जाती है, या सबसे कठोर भी होती है, तो ये आपको याद रखना है।
एक वयस्क मनुष्य में होते हैं? तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कुल कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। 20 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा से टूट के आते हैं, तो बाकी के बचे हुए 12 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, चर्वाक दांत होते हैं। ठीक है, चले जो हम पीछे के दांत बोलते हैं इनको, तो ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। ठीक है गाइस, और मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, आगे के साइड वाले जिनसे हम काटते हैं कुछ भी चीज को, पीछे के और सबसे जो पीछे हमारी जाड़, जिनको जाड़ बोलते हैं, चबाने वाले। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बने होते हैं, किस चीज के बने होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, और ट्राई कैल्शियम फास्फेट का आपको केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, Ca3, ठीक है, ब्रैकेट PO4 ब्रैकेट 2। ठीक है गाइस, तो ये होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। स्तनपाई में पाई जाने वाली पाई जानी संवेद ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित है? तो तापमान संतुलन से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित वसा यानी कि फैट किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? तो शरीर से ताप की कमी। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस प्रोटीन से नाखूनों, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है? देखिए कई बार पूछा जाता है कि मनुष्य के नाखूनों में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन से प्रोटीन से निर्माण होता है, तो कैरोटीन इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, बालों का सफेद यानी कि ग्रे हेयर होना किस वजह से होते हैं, क्या कारण होता है? दोस्तों मेलानिन की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर रहेगा इपिओर्मल कोशिका में मेलानिन की कमी से होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा डी राइट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, पक्षियों तथा तो कीटों के पंख होते हैं, तो विषम जातीय अंग इसका सही आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पारिया रोग जो होता है वो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है या कौन से अंग में होता है? तो दोस्तों पारिया रोग जो होता है वो दांत व जबड़े में होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही उत्तर रहेगा सार्टोरिस पेशी यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। सार्टोरियस पेशी जो होती है ये सबसे लंबी पेशी होती है। दंत वल्ग में धब्बे व छेदों का बनना किसके कारण कारण होता है? जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंदुक उलूखल संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर रहेगा निन्तंब यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो प्यारे दोस्तों हृदय की पेशियां एक संयोजी ऊतक नहीं है।